नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूँ साक्षी। आइए नजर डालते हैं विधानसभा चुनाव के परिणामों पर। खरगोन की 6 सीटों में से 5 पर कांग्रेस और 1 पर निर्दलीय। भिकनगांव में कांग्रेस के झूमा सोलंकी ने भाजपा के धूल सिंह डावर को हराया। बड़वाक में कांग्रेस के सचिन बिरला ने भाजपा के हितेंद्र सिंह को हराया। महेश्वर में कांग्रेस के विजयलक्ष्मी साधो ने भाजपा के भूपेंद्र आर्य को हराया। कसरावत में कांग्रेस के सचिन यादव ने भाजपा के आत्माराम पटेल को हराया। खरगोन में कांग्रेस के रवि जोशी ने भाजपा के बालकृष्ण पाटीदार को हराया। भगवानपुरा में निर्दलीय केदार डावर ने भाजपा के जमुना सिंह और कांग्रेस के विजय सिंह को हराया। बड़वानी की 4 सीटों में से 3 पर कांग्रेस और 1 पर भाजपा। सेनबा में कांग्रेस के 11 सिंह लाल ने भाजपा के अंतर सिंह आर्य को हराया। राजपुर में कांग्रेस के बाल बच्चन ने भाजपा के अंतर पटेल को हराया। पानसेमल में कांग्रेस के चंद्रभागा किराड़े ने भाजपा के दीवान सिंह को हराया। बड़वानी में भाजपा के प्रेम सिंह पटेल ने कांग्रेस के रमेश पटेल को हराया। अलीराजपुर की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा। अलीराजपुर में कांग्रेस के मुकेश रावल पटेल ने भाजपा के नागर सिंह चौहान को हराया। जोबट में कांग्रेस की कलावती भूरिया ने भाजपा के माधव सिंह डाबर को हराया। झाबुआ में 3 विधानसभा सीटों में से 1 पर भाजपा का कब्जा और 2 पर कांग्रेस का कब्जा। झाबुआ में भाजपा के जीएस डामोर ने कांग्रेस के विक्रांत भूरिया को हराया। खांडला में कांग्रेस के वीर सिंह भूरिया ने भाजपा के काल सिंह भाबर को हराया। पेटलवाद में कांग्रेस के बाल सिंह मेड़ा ने भाजपा की निर्मला भूरिया को हराया। धार की 7 विधानसभा सीटों में से 6 पर कांग्रेस का और 1 पर भाजपा का कब्जा। सरदारपुर में कांग्रेस के प्रताप देवल ने भाजपा के संजय बघेल को हराया। गंधवानी में कांग्रेस के उमंग सिंघार ने भाजपा के सरदार सिंह को हराया। कुक्षी में कांग्रेस सुरेंद्र सिंह बघेल ने भाजपा के वीरेंद्र सिंह बघेल को हराया। मनावर में कांग्रेस के हीरालाल अलावा ने भाजपा के रंजाना बघेल को हराया। धर्मपुरी में कांग्रेस के पांचीलाल मेड़ा ने भाजपा के गोपाल कनौज को हराया। धार में भाजपा की नीना वर्मा ने कांग्रेस की प्रभा गौतम को हराया। बदनावर में कांग्रेस के राज्यवर्धन सिंह ने भाजपा के भंवर सिंह शेखावत को हराया। उज्जैन की 7 विधानसभा सीटों में से 4 पर कांग्रेस और 3 पर भाजपा का कब्जा। नागदा खाचरोद में कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर ने भाजपा के दिलीप शेखावत को हराया। महीदपुर में भाजपा के बहादुर सिंह चौहान ने कांग्रेस के सरदार सिंह को हराया। तराना में कांग्रेस के महेश परमार ने भाजपा के अनिल फिरोजिया को हराया। घटिया में कांग्रेस के रामलाल मालवीय ने भाजपा के अजीत बोरासी को हराया। उज्जैन उत्तर में भाजपा के पारस जैन ने कांग्रेस के राजेंद्र भारती को हराया। उज्जैन दक्षिण में भाजपा के मोहन यादव ने कांग्रेस के राजेंद्र वरिष्ठ को हराया। बड़नगर में कांग्रेस के मुरली मोरवाल ने भाजपा के संजय शर्मा को हराया। रतलाम ग्रामीण से भाजपा के दिलीप मकवाना ने कांग्रेस के थावरलाल भूरिया को हराया। रतलाम सिटी से भाजपा के चैतन्य कश्यप ने कांग्रेस की प्रेमलता दवे को हराया। सैलाना में कांग्रेस के हर्ष गहलोत ने भाजपा के नारायण मेरा को हराया। जावरा में भाजपा के राजेंद्र पांडे ने कांग्रेस के सिंह को हराया। आलोट में कांग्रेस के मनोज चावला ने भाजपा के जितेंद्र गहलोत को हराया। मंदसौर की 4 विधानसभा सीटों में से 3 पर भाजपा और 1 पर कांग्रेस का कब्जा। मंदसौर में भाजपा के यशपाल सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस के नरेंद्र नाहटा को हराया। मल्हारगढ़ में भाजपा के जगदीश देवड़ा ने कांग्रेस के परशुराम सिसोदिया को हराया। सुवासरा में कांग्रेस के हरदीप डंग ने भाजपा के राधेश्याम पाटीदार को हराया। गरोट में भाजपा के देवीलाल धाकड़ ने कांग्रेस के सुभाष सोजतिया को हराया। नीमच की 3 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कब्जा। मनासा में भाजपा के अनिरुद्ध मारू ने कांग्रेस के उमराव सिंह को हराया। नीमच में भाजपा के दिलीप सिंह ने कांग्रेस के सत्यनारायण को हराया। जावद में भाजपा के ओम प्रकाश सकलेचा ने कांग्रेस के राजकुमार अहिर को हराया।